हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर व्लॉग्स। दिस इज़ मी योर होस्ट नितिन। तो गाइज, आज हम करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 की चेन क्लीनिंग का पूरा प्रोसेस। तो बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो हमसे पूछ रहे हैं कि चेन क्लीनिंग का एक अप्रोप्रिएट प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है। तो आज इसके बारे में करेंगे पूरी बात। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं बाइक पे। सो गाइज, चेन क्लीनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। तो अगर आप इस तरफ चेन की तरफ नज़र डालें, तो ये जो चेन आती है, इसके ऊपर चेन कवर नहीं आता है। पहले क्या होता था कि ये चेन जो है, ये पूरी चेन कवर से बंद चेन आती थी, जिसकी वजह से इसमें इतनी ज़्यादा लूबिंग की ज़रूरत और क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन अब क्या है, क्योंकि विद टेक्नोलॉजी अब क्या है कि ये चेन्स ओपन कर दी गई हैं, तो इनके ऊपर टेक्निकली क्या होता है कि आपका यहाँ पे डस्ट, रस्ट, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। तो जिसकी वजह से आपको इन चेन्स को तकरीबन हर 500 किलोमीटर पे क्लीन एंड लूप करना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये बिल्कुल वेदर और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को वेयर एंड टेयर के लिए हमेशा ओपन रहती हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए दो चीज़ें। सबसे पहले तो आपको चाहिए एक चेन क्लीनर। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर रॉयल एनफील्ड का जेन्युइन चेन क्लीनर है, जो कि मैं जिससे चेन को क्लीन करूँगा। और इसके साथ एक चेन लूप की भी ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे मैं रॉयल एनफील्ड का लूप यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं इस लूप की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये जो मेरे पास है वो है मोटूल का चेन लूप। तो गाइस, आज इसके सही प्रोसेस को समझेंगे और जानेंगे कि चेन लूप को अप्रोप्रिएट क्लीन और लूप करने का क्या तरीका होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको चेन क्लीन को क्लीन करने के लिए, सबसे पहले तो आप गाड़ी को कर दीजिए स्टार्ट। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस लूप के ऊपर एक छोटा सा पाइप होता है। ये पाइप आप बिल्कुल भी इसमें कनेक्ट करना मत भूलिए। इसमें इस पाइप को कनेक्ट कर लीजिए और गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाल दीजिए और ऐसे रोल होने दीजिए। अब गाइस, आपको करना ये है कि यहाँ पे आपको बहुत ही प्यार से, ये देखिए आप देख सकते होंगे कि इस समय, ये देखिए मैं लूप कर रहा हूँ, ये क्लीन कर रहा हूँ। तो ये देखिए, आपको पहले चेन को इस तरफ से पूरा प्रॉपर क्लीन करना है। ये एक साइड से क्लीन करने के बाद आपको इस चेन को सेंटर से क्लीन करना है। ये सेंटर से क्लीन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे ही चेन के बीच में जो ओरिंग्स होती हैं, वो दोनों यहाँ पे और इस तरफ होती हैं, और ये ओरिंग्स और कहीं पे भी नहीं होती हैं। ये देखिए, अब मैंने ये दो तरफ से क्लीन कर लिया है। उसके बाद अब मुझे यहाँ पे तीसरी तरफ से भी क्लीन करने की ज़रूरत है। ये देखिए, तो गाइज अब आप देख सकते हैं कि मेरी चेन ने यहाँ पे बहुत सारी कालिक जो है इसको ऑलरेडी छोड़ दिया है। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं कि चेन काफ़ी गंदी हो रखी थी, क्योंकि अब आप देखिए, अगर अब मैं यहाँ पे गाड़ी को रोक देता हूँ, अब मैं गाड़ी को यहाँ पे रोक देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि चेन जो है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएटली पूरी तरीके से क्लीन हो चुकी है। अब आपको गाइस करना ये है कि यू विल हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट तक आप वेट कीजिए, कुछ भी मत कीजिएगा, क्योंकि
अभी आपने जो ये चेन क्लीनर लगाया है, ये आपकी चेन की जितनी भी गंदगी है उसको स्वेल ऑफ कर रहा है। तो अभी आप इसको कुछ भी मत करिए, इसके बाद 3-4 मिनट बाद आपको क्या करना है फिर मैं दिखाता हूँ आपको आगे। सो गाइज, अब जैसा कि आपने देखा था कि हमने जो चेन है उसको ऑलरेडी क्लीन कर दिया था, चेन पूरी सूख चुकी है। अब इसके बाद हमें करना है ये लूप। तो लूप करने के लिए 3 चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले इधर आ जाइए, मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइज, आपको क्लीनर की तरह, ये देखिए आप चेन देख सकते हैं बिल्कुल साफ सुथरी है, आपको इधर भी मारना है, ये और ये जो दो जॉइंट्स हैं इन पे भी आपको मारना है, और इस साइड भी मारना है। ये चारों साइड आपको मारनी है चेन स्प्रे। और एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि चेन स्प्रे मारने के बाद एटलीस्ट 20 मिनट्स गाड़ी बिल्कुल नहीं चलानी है, वरना जो लूब आप इसके ऊपर डालते हैं ये स्कैटर हो जाता है और अपना ये प्रॉपर स्टिकिंग नहीं कर पाता है। तो आइए अब आपको करके दिखाता हूं। गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाल लिया मैंने, अब आपको बहुत प्यार से हल्के हल्के करना है। देखिए गाइस, इधर से लग चुका है, अब मुझे इस साइड लगाना है। इस साइड लगाने के बाद अब मुझे इस साइड लगाना है। उसके बाद अब मुझे इस साइड भी लगाना है। सो गाइज, जैसा कि आपने देखा कि अब मैंने चारों साइड्स में चेन के, आप देख सकते हैं चेन बहुत अच्छी तरीके से डिप हो चुकी है। ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से चारों तरफ जो है चेन में, इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी और इस साइड भी, चारों तरफ चेन में बहुत अच्छे से लग चुका है ये लूप। अब इसके बाद आपको कम से कम गाड़ी को 20 मिनट तक खड़े रखना है। 20 मिनट तक आप प्लीज़ गाड़ी को ना चलाइए, वरना ये लूप आपका ही प्रॉपरली सेटल नहीं हो पाएगा। उसके बाद आप इस गाड़ी को बिल्कुल चला सकते हैं। तो ये है एक प्रॉपर प्रोसीजर चेन को क्लीन करने का, चेन को लूप करने का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।